ओके सो हेलो एवरीवन। तो नीट 2022 का एग्ज़ाम कब होगा, कौन से डेट पे होगा? तो ये क्वेश्चन जो है इसने कई स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है, जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं। तो वो बेसब्री से अपने नीट एग्ज़ाम्स के डेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अनाउंस होगा, कब रजिस्ट्रेशन चालू होगा और हमको पता चले कि ये जो एग्ज़ाम है वो कब रखा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हाल ही में एनएमसी की मीटिंग हुई थी एनटीए से, और इस मीटिंग से पता चला है, इस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ था कि नीट 2022 के एग्ज़ाम्स कब रखे जाएंगे। तो इन मीटिंग से पता चला है कि पॉसिबली आपका जो एग्ज़ाम है वो इस मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि एग्ज़ाम जून के एंड में रखने के चांसेस हो सकते हैं एनटीए द्वारा। जून के थर्ड और फोर्थ वीक में ऐसा कहा गया है कि ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो नीट 2022 का एग्ज़ाम आप ये मान के चल लो कि जून एंड में हो सकता है, जिसके नोटिफिकेशंस या फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जो मीटिंग है, मीटिंग में जैसी बात हुई थी, जो बात सामने आई थी, उस बात के बारे में मैं बोल रहा हूँ, और उस बात के अनुसार आपका जून एंड में ये एग्ज़ाम रखा जा सकता है। तो फिलहाल अभी आपके पास टाइम है, लगभग 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है। अभी मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, और जून आधे से ज़्यादा भी आपके पास है अगर इन बात के हिसाब से चले तो। तो जून एंड आप एक तौर पर मान के चलो कि आपका नीट 2022 का एग्ज़ाम होगा, हो सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और उसके चांसेस हैं कि आपके नेक्स्ट मंथ में रजिस्ट्रेशन के डेट्स चालू हो जाए, आ जाए और आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। तो फिलहाल दिमाग में आप ये मान के चलो कि जून एंड तक या जून के थर्ड या फोर्थ लास्ट वीक तक एंड तक ये नीट 2022 का एग्ज़ाम हो सकता है। उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन चालू कर सकते हो जोर शोर से। तो जो मेडिकल जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू।